हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर हो जाता है, इसका जो 2016 में पेपर आया हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आप तो ये भी जानते हैं कि वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस 1 to 5 आते हैं, और आपके जो अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं वो 6 to 11 आते हैं, और जो लघुत्तरीय टाइप हो जाते हैं वो 12 to 18 क्वेश्चंस आते हैं, और जो आपका टाइम हो जाता है वो 1 घंटे का टाइम आपको मिलता है। इसमें आपको सभी ये तैयार करने होते हैं, यानी सभी फुली तरीके से आपको करने होते हैं, यानी सॉल्व करने होते हैं, है ना। तो चलते हैं, सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो आप लोग अगर चैनल पर अभी नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, और हो सके तो कम से कम अपने 5 फ्रेंड्स में वीडियो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हो जाता है, ICT का पूरा नाम क्या है? इनपुट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या इनपुट कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी, या इनमें से कोई नहीं। तो ICT का पूरा नाम हो जाता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। जो फुल फॉर्म है बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। CD-ROM का पूरा नाम है कोर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, या इनमें से कोई नहीं। तो सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। कभी कभी ये अलग अलग पूछ लिया जाता है कि रोम का पूरा नाम बताएं, है ना, या सीडी का पूरा नाम बताएं, या CPU का पूरा नाम बताएं। तो आपको जब चीज़ें पता होंगी तो आपसे एक में कंबाइन करके पूछ लिया जाए या अलग अलग करके पूछ लिया जाए, आप आंसर दे ले जाओगे, है ना। तो CD-ROM का पूरा नाम क्या हो जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये हो जाता है। इंटरनेट में परस्पर लाइव बातचीत करने को क्या कहते हैं? तो इंटरफेस, वेबसाइट, गोफर, या चैटिंग कहते हैं। तो इंटरनेट पर परस्पर आप लाइव बातचीत करते हैं तो उसको क्या कहेंगे? तो चैटिंग कहेंगे। संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व है क्या है? सूचना है, स्रोत है, प्रसारण एवं प्राप्ति है। तो ये उपरोक्त सभी हो जाते हैं, यानी कि सूचना भी है, स्रोत भी है, प्रसारण एवं प्राप्ति भी है, यानी उपरोक्त सभी हो जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों के देखिए 4 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। 5th नंबर का जो क्वेश्चन हो जाता है वो आपका CAL का पूरा नाम है, तो कंप्यूटर एडेड लर्निंग, या कॉम्पैक्ट ऑडियो लाइन, या कंप्यूटर एप्लीकेशन लोडिंग, या उपरोक्त सभी। अब उपरोक्त सभी देखकर ऐसा ना करिएगा कि सभी पर टिक कर दीजिएगा। CAL का पूरा नाम है कंप्यूटर एडेड लर्निंग, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है, ठीक है। चलते हैं अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की तरफ। संचार किसे कहते हैं? तो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में कुछ सार्थक चिन्हों, संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। भाई, हमें अपनी बात को कहने के लिए दूसरे शख्स से कहना पड़ेगा, यानी दूसरे इंसान से कहना पड़ेगा। उसको अगर बात करनी है तो हमसे कहना रहेगा। कम से कम जब भी संचार, यानी संचार की बात यहाँ पे की जा रही है, तो कम से कम 2 व्यक्ति तो होना परस्पर। तो जब आदान प्रदान करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे संचार कहते हैं। प्रोटोकॉल क्या है? तो प्रोटोकॉल संचार के नियमों को संग्रह करता है। जब भी कोई सूचना या डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में प्रेषित होती है तो यह प्रेषण के कुछ नियम के अनुसार होती है, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है। सर्वर का क्या अर्थ है? तो सर्वर एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, तथा सर्वर वेबसाइट को होस्ट करते हैं, और ब्राउजर द्वारा भेजी गई रिक्वेस्ट की प्रतिक्रिया में वेब कनेक्ट को देते हैं, ठीक है। तो सर्वर, आप लोग समझ गए कि भाई सर्वर से क्या होता है? सर्वर एक व्यवस्था है ना, जिसके माध्यम से हम सूचनाओं का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, फुल ड्यूप्लेक्स मोड क्या है? वो ट्रांसमिशन मोड जिसमें 2 घटकों के बीच जानकारी या डेटा का आदान प्रदान एक ही साथ होता है, फुल ड्यूप्लेक्स मोड कहलाता है। टेलीफोन एक फुल ड्यूप्लेक्स मोड कहलाता है, टेलीफोन एक फुल ड्यूप्लेक्स मोड हो जाता है ना। यहाँ पे डबल हो गया है, आप
सिंगल ही लिखिएगा, ठीक है, और नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि नोट्स ये आपके सच्चे साथी होते हैं। जब भी आप रिवीजन करते हैं तब भी आपको क्या करना होता है, आप जब रिवीजन करते हैं तो नोट्स से रिवीजन अच्छे से हो पाता है, क्योंकि अगर आप क्लासेस देखने बैठ गए उस टाइम, जैसे पेपर तो आपका क्यों होता है, एक दिन में दो पेपर, एक दिन में तीन पेपर होते हैं, तो सभी का रिवीजन इतनी फास्टली थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लगता है ना। तो जब आप नोट्स बनाएंगे तो सरसरी नज़र उस पर डाल ले जाएंगे। सर्च इंजन क्या करता है? तो सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं में से किसी विशेष सूचना को ढूंढकर उसे हमारी स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। DBMS का पूरा नाम क्या है? तो DBS का पूरा नाम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो जाता है। यहाँ पे 11 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को देख लेते हैं। जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। कंप्यूटर नेटवर्क का उद्देश्य बताएं। तो कंप्यूटर नेटवर्क से आशय एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें दो या दो से अधिक कंप्यूटर को इस प्रकार से जोड़ा जाता है जिसमें केवल टेलीफोन लाइन, माइक्रोवेव तथा उपग्रह साधन प्रमुख हैं। उसके बाद 13 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या उपयोग है? समुचित जानकारियों का ज्ञान। भाई हमें बहुत सी जानकारियाँ शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर से प्राप्त हो जाती हैं। सूचनाओं का आदान प्रदान, हम जो भी सूचनाओं का जैसे भेजना चाहते हैं या मंगवाना चाहते हैं तो हमें क्या होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन है ना, तो संप्रेषण सुविधाएं प्रदान करना और तकनीकी ज्ञान में विकास, उपयुक्त साधनों का उपयोग करना, ये हो जाते हैं। आप इस तरह से हेडिंग डालेंगे, उसमें उसके अंतर्गत थोड़ा थोड़ा सा लिखेंगे तो आपका लघु उत्तरीय, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत लेंदी तो नहीं लिखना होता है, लेकिन इतना तो आप लिखें कि लघु उत्तरीय टाइप में हो जाए, है ना। इलेक्ट्रॉनिक मेल से आप क्या समझते हैं? तो ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसको समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल से तात्पर्य इंटरनेट पर उपलब्ध उस साधन या सेवा से है जिसका उपयोग कहीं भी बैठे हुए व्यक्तियों के बीच संदेश या दस्तावेजों के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। ईमेल में संदेश किसी व्यक्ति द्वारा नहीं पहुंचाया जाता है बल्कि इंटरनेट के नेटवर्क पर इलेक्ट्रॉनिक संदेश के रूप में कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर उपलब्ध कराया जाता है। जैसे संदेश होता है, पहले क्या होता था कि जैसे हमें किसी को संदेश कहना होता था, तो हमें क्या होता था, ख़त के माध्यम से या किसी व्यक्ति को भेजकर, तो अब ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल हम लोग कर देते हैं, बस उस व्यक्ति का एड्रेस हमें पता होना चाहिए यानी ईमेल आईडी पता होनी चाहिए और क्या करते हैं, हम भेज देते हैं और सेकेंडों में वर्क हो जाता है ना। पावर पॉइंट में क्या तात्पर्य है, यानी पावर पॉइंट से क्या तात्पर्य है, यहाँ पर हो जाता है। तो पावर पॉइंट के कार्य देख लेते हैं। पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। कैसा प्रोग्राम है? तो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जो सूचनाओं या डेटा को स्लाइड फॉर्मेट में परिवर्तन करने का कार्य करता है। इसमें डेटाबेस को मैनेज करने के लिए विभिन्न प्रकार के टूल होते हैं जिसमें प्रयोग करके डेटाबेस को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ई लर्निंग क्या है? ई जितने भी है इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है ना, तो ई लर्निंग के बारे में समझ लेते हैं। यदि छात्र ज्ञान इंटरनेट या किसी वेबसाइट आदि द्वारा प्राप्त करता है तो इसका संबंध इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जुड़ जाता है। इस प्रकार ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया को ई लर्निंग कहते हैं। इसके लिए कुछ वेबसाइटों एवं शिक्षकों द्वारा शुल्क लिया जाता है तथा कुछ सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपके क्वेश्चन कम्प्लीट हो चुके हैं। आपके 17 नंबर और 18 नंबर का क्वेश्चन बचा हुआ है, सो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी आप लोग कीजिएगा, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवाएं किसी व्यवस्था के संचार व्यवस्था को उच्च शिखर पर पहुंचाती है तथा बड़ी संख्या में किसी एक कंपनी के अथवा दूसरी कंपनी के लोगों को संचार सेवा से बड़े स्तर पर जोड़ती है। इस संचार सेवा में लागत भी अपेक्षाकृत कम आती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सचित्र संप्रेषण का सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति दूर बैठकर भी विचार विमर्श तथा चर्चा के साथ साथ अपने हाव भाव तथा क्रिया प्रतिक्रिया का प्रदर्शन कर सकते हैं। भाई आप लोग क्या करते हैं, जब वीडियो कॉल करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, तो ऐसा लगता है कि बहुत दूर भी कोई बंदा बैठा हुआ है तो ऐसा लगता है हमारे पास में बैठा हुआ है, तो आप उसका फेस भी देख सकते हैं, आप उसके हाव भाव भी देख सकते हैं,
है ना। तो यही सब चीज़ें आपको लिखने हैं, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है और आप अपने आप से नहीं लिख सकते, क्योंकि मोबाइल का दौर है, आप सभी लोग मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप यूज़ करते हैं और ये सभी चीज़ें जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया, ये कंप्यूटर सिस्टम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सभी चीज़ें आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे हैं, तो बस वही आपको लिखना है, कुछ अलग से आपको नहीं लिखना है, है ना। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाती है। और डिजिटलीकरण क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, डिजिटलीकरण का आशय किसी भी रूप, तस्वीरें, आवाज़ इत्यादि में मौजूद एनालॉग सूचना को उपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे स्कैनर या विशेष कंप्यूटर चिप्स के द्वारा डिजिटल रूप में रूपांतरण किया जाता है, जिसमें सूचनाओं को डिजिटल सर्किटों, उपकरणों तथा नेटवर्कों के माध्यम से संग्रहित तथा प्रेषित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज जो आपका पेपर है 2016 का कंप्यूटर सब्जेक्ट का है ना, ये सॉल्व हो चुका है। आई होप आप लोगों को पेपर को सॉल्व करके अच्छा लगा होगा और जानकारी भी आपको मिली होगी और आइडिया भी लग गया होगा कि हमारा पेपर किस तरह से आता है। हालांकि आप लोग थर्ड सेमेस्टर में है तो आपको ये सभी चीज़ों का ज्ञान है, सभी चीज़ों की नॉलेज है कि पेपर कितने टाइम में करना होता है, कैसे करना होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ चूक हो जाती है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में हमने वही चूक की, फिर सेकंड में भी, और हमने कहीं से ज्ञान ये नहीं प्राप्त किया कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और हम थर्ड सेमेस्टर में आ गए, है ना। हो जाता है क्योंकि हमने तैयारी और ज़्यादा अच्छे नंबरों के लिए की थी, लेकिन हमें कुछ कम, लेकिन हम निकलते चले गए। तो इससे रिलेटेड हमने वीडियो डाली भी है, प्लस हम इससे रिलेटेड और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आएंगे कि क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कैसे आपको एक घंटे में, जैसे जो 18 क्वेश्चंस का होता है वो एक घंटे में, यानी 25 नंबर का जो पेपर होता है उसको एक घंटे में करना होता है, और जो 50 नंबर का होता है उसको 2 घंटे में करना होता है। तो इतने कम टाइम में हमें किस तरह से सभी प्रक्रियाएं करनी है, सभी चीज़ें करनी है, सफाई सुथराई का ख्याल रखना है, प्लस हमें ये भी चीज़ें देखनी कि हमारा कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, है ना। ये सभी चीज़ें हम इतने कम टाइम में कैसे करेंगे, तो इस पर हम वीडियो लेकर आएंगे, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा और आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कराएगा। प्लस इससे रिलेटेड भी वीडियोज़ हम डाल रहे हैं कि कॉपी कैसे लिखें, है ना, कॉपी कैसे लिखें, तो उस वो भी वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे कोई पेपर को लेकर जिसको सॉल्व करेंगे, और आपकी सीरीज़ तो कंटिन्यू चल ही रही है। तो आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, अगर सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच सके। थैंक यू।